सोनी एक्सपीरिया 1 मार्क 5 जो हाल ही में लॉन्च हुआ फ्लैगशिप फोन है। फास्ट रिफ्रेश रेट, 4K OLED डिस्प्ले, फ्लैगशिप प्रोसेसर, सुपर कैमरा, स्लिक इन डिजाइन एंड मेनी मोर। दोस्तों आज मैं सोनी एक्सपीरिया 1 मार्क 5 का फर्स्ट इंप्रेशन बताने वाला हूं जो हाल ही में लॉन्च हुआ है। मेरा नाम मिलन है और आप देख रहे हैं टेक स्ट्रीट। और जैसे कि आपको पता है लेटेस्ट जो अपडेट सबसे पहले हमारी ही चैनल में देखने मिलते हैं, तो ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए और अगला की वो देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के और हमारी टेक टीम को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट ऑसम टेक अपडेट की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके जैसे हम नया वीडियो अपलोड करते हैं। आजकल के मोबाइल फोन सभी एक जैसे क्यों दिखते हैं? अ गुड फोन्स फॉर 2023। जैसे कि फोन के बैक में ओरियो कुकी लाइक बिगर कैमरा मिलता है क्योंकि आपको बड़ा सेंसर चाहिए। देन देयर इज अ ब्लैक डॉट इन द मिडल ऑफ द आईब्रो, देन मे बी द आईलैंड, क्योंकि आपको एक्सट्रीम स्क्रीन टू बॉडी रेशियो चाहिए। फोन में 3.5 mm हेडफोन जैक नहीं मिलेगा क्योंकि आपको बहुत ही लाउड साउंड चाहिए। फिर ड्यूल सिम सपोर्ट मिल जाता है लेकिन मेमोरी कार्ड एक्सपांशन स्लॉट नहीं मिलेगा। लेकिन सोनी एक्सपीरिया 1 मार्क 5 में ये सभी फीचर्स आपको मिलते हैं। बैक के अपर लेफ्ट कॉर्नर में बार कैमरा के सेट डिस्ट्रीब्यूट किया है। फोन के फ्रंट आईब्रो में छोटा सा कैमरा प्लेस किया है, तो स्क्रीन में स्मॉल फोरहेड और चिन भी देखने को मिलेगी, यानी फोन में फुल स्क्रीन मिल जाएगी विदाउट पंच होल। और 3.5 mm हेडफोन जैक भी मिलता है और सोनी की एक्सपीरिया 1 सीरीज में कई सालों से देखने को मिलता है ये जैक, जो आपको दूसरे फ्लैगशिप फोन्स में वापस तो देखने को नहीं मिलेगा। और सिम कार्ड स्लॉट को भी डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं, जहां पे आप दो सिम कार्ड का यूज तो कर ही सकते हैं, साथ में स्टोरेज एक्सपांशन कार्ड का भी सिम 2 के स्लॉट में यूज कर सकते हैं। वैसे ये नया नहीं है, एक्सपीरिया फोन में ये सभी फीचर्स तो आपको मिलते ही हैं। सोनी ZV-E1 This is one of the best vlog camera जहाँ पे ऑटो फोकस की कैपेबिलिटी सुपर मिल जाती है, वैसी ही कैपेबिलिटी आपको एक्सपीरिया 1 मार्क 5 में भी देखने को मिल जाएगी। सोनी एक्सपीरिया 1 मार्क 5 में इस बार कई सारे चेंजेस देखने को मिल जाता है। इस बार फोन का बैक सिंपली मैट फिनिश नहीं देखने को मिलेगा, आप क्लोज लुक देख सकते हैं। बैक में बहुत ही यूनिक डायमंड टेक्सचर्ड डिजाइन देखने को मिल जाती है जो लुक में और टच में काफी स्पेशल फील कराती है। फोन में 3 कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं, इनकी ब्लैक, मिस्ट सिल्वर एंड ग्रीन, और ये सिल्वर कलर है। फोन के ऑफिशियल कवर में भी सिमिलर शेप टेक्सचर्ड भी मिल जाते हैं। कवर के बॉटम में स्मॉल ब्रैकेट मिल जाता है जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में यूज कर सकते हैं। फोन के बैक में कैमरा पार्ट फ्लैट मिल जाता है। कैमरा मॉड्यूल प्रीवियस जनरेशन में ब्लैक ग्लास का मिलता था और इस बार ब्लैक मैट मेटल का मिल जाता है जो काफी डेलिकेट एंड हार्डकोर भी लगता है। कैमरा मॉड्यूल में फ्लैश की राइट में माइक्रोफोन मिल जाता है जो एक्सपीरिया प्रो आई से मिल रहा है। फोन में कैमरा देखे तो टॉप कैमरा 16 mm अल्ट्रा वाइड मिल जाता है, सेकंड 24 mm मेन कैमरा मिल जाता है जहां पे सेंसर साइज 1:1.35 inch की मिलती है। और मेन कैमरा सेंसर में स्पेशल रेशियो मिल जाता है 4:3:3 कंपेयर टू 4:3 रेशियो इन ऑर्डिनरी मोबाइल फोन। 4:3:3 में ड्यूरिंग वीडियो शूटिंग इमेज एरिया ज्यादा मिल जाता है तो इमेज क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिलेगी। थर्ड सेंसर 85 mm टू 125 mm का पेरिस्कोप लेंस मिल जाता है जहां पे 2 ऑप्टिकल जूम मिल जाता है। आप यहां पे फोकस एडजस्टिंग देख सकते हैं, द स्ट्रक्चरल इनसाइड द लेंस मूव अकॉर्डिंगली। और तीनों कैमरा में 4K वीडियो 120 fps से रिकॉर्ड कर सकते हैं। शायद ये फीचर किसी भी फोन में नहीं मिलता है, स्पेशली टेलीफोटो लेंस में 4K 120 fps रिकॉर्डिंग शायद किसी भी फोन में नहीं है। आप यहाँ पे सैंपल्स देख सकते हैं, ऑल ओवर फोन में कैमरा आउटस्टैंडिंग मिल जाता है। एक्सपीरिया 1 मार्क 5 में डिस्प्ले की बात करें तो 6.5 की 4K डिस्प्ले मिल जाती है और 4K रिजोल्यूशन में 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट मिलती है। ऐसा फीचर किसी भी फोन में देखने को नहीं मिलेगा। साथ में रियल टाइम HDR ड्राइव टेक्नोलॉजी का भी यूज हुआ है
साथ में फोन में स्टीरियो स्पीकर्स भी मिल जाते हैं, तो मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा मिलेगा। अब फोन में बैटरी और बैटरी टेस्ट की बात करते हैं। फोन में 5000 एमएएच की यूज बैटरी मिल जाती है, जहां पे 30 वोल्ट का चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है और जो बैटरी को 30 मिनट्स में ही 50% तक चार्ज कर देता है। साथ में वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी मिल जाता है। बैटरी टेस्ट की बात करें तो 5 आवर्स ऑफ बैटरी टेस्ट में बैटरी ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। इस 5 आवर्स बैटरी टेस्ट में 1 आवर 4K वीडियो 60fps पे रिकॉर्ड किया गया है। 2 आवर्स ऑफ ऑनर ऑफ किंग गेमिंग की गई है और 1 आवर्स ऑफ ऑनलाइन वीडियो प्लेबैक किया है। लेकिन जब 4K वीडियो 60fps से रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं, 26 मिनट में ही फ़ोन ओवरहीटिंग होना शुरू हो जाता है और वीडियो स्टॉप हो जाता है। एक्चुअल में एक्सपीरियंस सीरीज का ये पुराना इश्यू है। वैसे फ़ोन में फ्लेक्सिप हार्डवेयर मिल जाता है, साथ में IP68 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट रेटिंग भी मिलती है, तो हीट डिसिपेशन प्रेशर भी ज़्यादा रहेगा। ड्यूरिंग टेस्ट फ़ोन का मैक्स टेम्परेचर 49.1 डिग्री तक चला जाता है। टेस्ट के बाद इस फोन को फैन से ठंडा करना पड़ेगा। ड्यूरिंग द 4K वीडियो रिकॉर्डिंग फोन का टेम्परेचर 44.4 डिग्री तक जाता है। गेमिंग में यानी ऑनर ऑफ किंग 60fps पे खेलने पे फोन में टेम्परेचर 43.4 डिग्री तक जाता है। दूसरे फ्लेक्सिप फोन के कंपेयर में एक्सपीरिया 1 मार्क 5 में इतना अच्छा हीट डिसिपेशन सिस्टम नहीं लगा है, लेकिन कंपेयर टू एक्सपीरिया 1 मार्क 4 मार्क 5 में इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है हीट डिसिपेशन के रिलेटेड। आखिरी में एक्सपीरिया 1 मार्क 5 की प्राइस की बात करें तो बेस वेरिएंट की प्राइस US में $1,399 है, जो इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो करीब 1,14,000 तक होती है। कंक्लूजन पे आए तो फोन में डिस्प्ले अच्छी है, कैमरा भी अच्छा है, परफॉर्मेंस भी अच्छा है, लेकिन बैटरी एवरेज है और हीटिंग इश्यू भी देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों आप क्या सोचते हैं सोनी एक्सपीरिया 1 मार्क 5 के बारे में, कौन सा फीचर आपको अच्छा लगा और कौन सी प्राइस में इंडिया में आना चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और दोस्तों लेटेस्ट फोन के लीक्स, लॉन्च डेट, टेक न्यूज सबसे पहले देखने के लिए मेरे ट्विटर हैंडल को फॉलो करना ना भूले और लेटेस्ट फोन और गैजेट्स के अनबॉक्सिंग 1 मिनट में देखने के लिए मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो करना ना भूले। तो दोस्तों मिलते हैं अगले लेटेस्ट एक अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप स्माइलिंग।